सब्सक्राइब टेक्निकल फ्रिक्स एंड प्रेस द बेल आइकन। और क्या फिल्म चल रहा है सर? बढ़िया, आज मैं आपको बताऊंगा आप अपने विंडोज़ के प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर रिमूव या अनइंस्टॉल कैसे कर सकते हैं बड़ी आसानी से। बिना कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ करे आप सारे ब्लोटवेयर्स रिमूव कर सकते हैं अपने विंडोज़ कंप्यूटर या लैपटॉप से। मैं हूँ शांतनु, आप देख रहे हैं टेक्निकल फ्रिक्स यूट्यूब चैनल। पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिरी तक देखिए। एंड्रॉयड फ़ोन की तरह विंडोज़ भी काफ़ी सारे ब्लोटवेयर के साथ आता है। मुझे सबसे जो इरिटेटिंग लगता है वो है स्काइप, क्योंकि आजकल स्काइप वगैरह कोई यूज़ नहीं करता। व्हाट्सएप में वीडियो कॉल है, फेसबुक में है, और स्काइप इरिटेट करता है। स्टार्टअप में भी होता है तो बार बार जैसे कंप्यूटर ऑन करो स्टार्टअप से डिसेबल ना कर दो तो आता रहता है। ये भी अगर लो स्पेक्स वाला आपका कंप्यूटर लैपटॉप हो काफ़ी ज़्यादा मतलब आपके कंप्यूटर को स्लो कर सकता है, क्योंकि रैम वगैरह कंज्यूम करता है और बैकग्राउंड में चलता रहता है। ऐसे ही वन ड्राइव वगैरह है तो इससे कैसे छुटकारा पाए, क्योंकि हम अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। अगर मैं आपको कंट्रोल पैनल में जाके दिखाऊं, कंट्रोल पैनल में अगर मैं स्काइप सर्च करता हूं कुछ आएगा ही नहीं। नॉर्मली हम कंट्रोल पैनल से अनइंस्टॉल करते हैं बट यहां से आएगा नहीं। बट यहां काफ़ी सारे तरीके हैं, दो तरीके मैं बताता हूं। एक तो आप स्टार्ट मेन्यू से इन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हो, जैसे एक शोल्डर है, जैसे मैं राइट क्लिक करता हूं यहां अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है तो ये रिमूव हो जाएगा। ऐसे ही आप स्टार्ट बटन में जो ऐप लिस्ट है वहां से रिमूव भी कर सकते हो बाकी सारे, जैसे आपको राइट क्लिक करना अनइंस्टॉल करना। बट काफ़ी सारे होते जो अनइंस्टॉल नहीं होते, उसको हम सीएमडी या पावर सेल से हटा सकते हो, वो भी मैं बताता हूँ कैसे। आपको जो यहाँ से हटे वो हटा देना है, वरना आपको विंडोज़ में सर्च करना पावर सेल। पावर विंडोज़ 10 में आता है, जो लेटेस्ट अपडेट विंडो 8.1 के भी उसमें भी शायद पावर सेल आता है, वरना आप सीएमडी में भी ट्राई कर सकते हैं अगर ओल्डर वर्जन हो, और बताना हो रहा है कि नहीं। आपको सिंपली पावर सेल सर्च करना है। पावर सेल सर्च करने के बाद आपको एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन देके सर्च करना, पावर सेल को राइट क्लिक करना और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे ओपन करना, एडमिन प्रिविलेज मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ लिखना है गेट जी कैपिटल में, जैसे आप देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और सामने स्क्रीन में भी देख सकते हैं, get -app x package। आपको ये लिखना है इसी फॉर्मेट, ऐप का ए बड़ा रहेगा, पी का पी कैपिटल रहेगा, गेट का जी कैपिटल रहेगा, आपको एंटर मार देना है तो सारे लिस्ट आ जाएंगे आपके सामने, बहुत सारा ऐप, तो पैकेज नेम वगैरह आ जाएगा लिस्ट बाय लिस्ट। आपको सिंपली फाइंड करना है, आपको शुरू में ही नाम दिखाएगा एप्लीकेशन का नाम, वो हमें रिक्वायर्ड होगा। वो आप राइट क्लिक करके कॉपी तो नहीं कर सकते बट कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हैं। आपको बस सेलेक्ट करके कंट्रोल सी करना, जैसे मैं दिखा रहा हूँ यहाँ वन ड्राइव है, वन नोट है, ये मेरा स्काइप भी मिल गया, जैसे स्काइप का मैंने यहाँ कॉपी कर लिया। आप मैनुअली भी लिख सकते हैं, तो आपको करना क्या है, तो आपको दोबारा लिखना है, जैसे आपको नाम ले लेना है, जो नेम है उसको पिक कर लेना है। आपको दोबारा get -apps package, आपके बाद स्पेस के बाद आपको स्टार देना है, जो न्यूमेरिकल होता है ना स्टार, जिसे हम मल्टीप्लाई की तरह भी यूज़ करते हैं कैलकुलेटर में उसे, और पैकेज का नेम। पैकेज का नेम मैंने पेस्ट कर दिया, आप देख के भी मैन्युअली लिख सकते हो। फिर मैंने स्टार लगा दिया, जैसे get -apps package --appname-. फिर आपको डिवाइडर ए वाला की आपको यूज़ करना है, सेपरेशन की, फिर आपको स्पेस दे के remove -apps package। आपको पूरा कोड मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन में भी, जैसे मैं एंटर मार देता हूँ, ये थोड़ा प्रोसेसिंग दिखाएगा 1-2 सेकंड का, जैसे अनइंस्टॉल हो गया। अब मैं स्टार्टअप में जाके देखता हूँ कि स्काइप है नहीं, प्रोग्राम में जाके देखता हूँ स्काइप है नहीं, और मैं सर्च करता हूँ तो स्काइप है नहीं, वो वेब खुल रहा है तो स्काइप मेरे कम्प्लीटली हट चुका है। ऐसे आप किसी भी पैकेज को जो इसका बिल्ट इन आता है, प्री इंस्टॉल्ड आता है, आप ऐसे रिमूव कर सकते हो बड़ी आसानी से बिना कोई थर्ड पार्टी ऐप को यूज़ किए। बस यही था इस वीडियो में, आपने देखा कितनी बड़ी आसानी से हम प्री इंस्टॉल्ड जो ब्लोटवेयर था विंडोज़ में उसको हमने रिमूव कर दिया बिना कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करे। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि विंडोज़ 10 वगैरह भी बहुत सारे ब्लोटवेयर्स के साथ आते हैं। अगर आपका लो स्पेक है, रैम कम है, प्रोसेसर स्लो है, तो और ज़्यादा स्लो बनाता है, तो उनको हटा देना है, क्योंकि स्काइप को यूज़ नहीं करता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप यूज़ नहीं करते, बेकार में पड़ा हुआ है, तो इसी तरीके से आप रिमूव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कुछ पूछना है, नए वीडियो का सजेशन देना, तो नीचे कमेंट करके बताएं। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ जो कंप्यूटर वगैरह यूज़ करता, विंडोज़ यूज़ करता हो, उनके साथ शेयर करें। चैनल ने सब्सक्राइब कर रखा तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ताकि आने वाले टाइम पर आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो कभी मिस ना करो। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में जल्द। बाय।